Hello everyone, welcome back to our new video Cold War Part 10. This video will be the last video of our topic Cold War. My name is Harsh Singh. I am a student of Shivaji College, University of Delhi, of 3rd year, 6th semester of BA program with subject combination History and Political Science. This video is actually the continuation of our previous video Cold War Part 9 in which we discussed about the fall of Berlin Wall and the reunification of Germany and we also discussed about the reasons of the disintegration of the USSR. In this video we will be discussing about the impacts of the Cold War on international politics or you can say on the global politics. So without any further delay, let's start the video. तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर टुडेज न्यू वीडियो आज की वीडियो भी हमारा जो है अपनी प्रीवियस वीडियो जो है उसका कॉन्टीन्यूशन है जिसके अंदर हमने मैंने एक टर्म के बारे में बताने के लिए कहा था जो कि है शॉक थेरेपी शॉक थेरेपी जो है वो एक ऐसा टर्म है जो कि इंपॉटेंट हो जाता है समझने के लिए और बिफोर दी वी हैड टूवर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कोल्ड वॉर का क्या इम्पेक्ट रहा उस चीज़ को समझने से पहले उन पॉइंट्स को समझने से पहले हम शॉक थेरेपी टर्म जो है एक बार उसको समझ लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि यूएसएसआर जो था जब वो डिसइंटिग्रेट हुआ तो पेरस्टोकआ का नॉस जो पॉलिसीज़ लेके आए थे वो उनकी वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ और, और भी काफ़ी सारे रीजंस थे बट बेसिकली इंपॉर्टेंट यही है रीजन, रीजन जो है डिसइंटीग्रेशन का वो यही था क्योंकि इन पॉलिसीज़ के जरिए क्या हुआ मीडिया और पब्लिक स्पेयर दोनों ही जो था वो काफ़ी ओपन हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ ही उनकी आवाज़ उठने लग गई और लोग जो हैं वो खुलेआम हर तरफ से जो है आवाज़ आने लगी कि हाँ डेमोक्रेसी चाहिए और क्योंकि सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो लगातार गिरती जा रही थी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया था कि लोग वेस्टर्न डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी की तरफ और वहाँ के लोगों की वे ऑफ लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे इस वजह से जो है आवाज़ उठने लगी कि हाँ नहीं अब हमें डिसइंटीग्रेशन uh, uh, चाहिए और डेमोक्रेसी चाहिए हमें हमें डेमोक्रेसी चाहिए और वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ हमें चाहिए ये डिमांड हर तरफ से उठने लगी तो जब डिसइंटीग्रेशन हो तो हमें शॉक थेरेपी देखने को मिला जो ऑप्शन था यानी कि uh, जो रूबल करेंसी थी वहाँ की वो लगातार गिरती जा रही थी और जो पैरास्ट्राइका ग्लासनोस के तहत जो ओपननेस फ्री की फ्री आ, फ्रीली और फेयरली जो सिस्टम को चलाने की बात की थी ओपननेस लाने की बात की गई थी आ, ये जो चीज़ें थी वो लगातार बैक फायर कर रही थी और एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा गिर रहा हो रहा था और ये जो चीज़ें थी रूबल करेंसी का लगातार गिरते जाना इंटरनेशनली ऑप्शन किया जाने लगा जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ थी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जिनमें स्वीस लेकर कार तक बनाने का हर चीज़ काम होता था उनका भी ऑप्शन किया जाने लगा और जो टिकट्स थे उनके बेच जाने के लिए वो लोगों को बांटे गए और लोग इंटर्न क्या कर रहे थे वो टिकट्स लेके वो किसी अमीर को जाके भेज दे रहे थे उनके उन टिकट्स के बदले पैसे ले ले रहे थे यानी कि उन्हें उनको पता है कि वो उस इंडस्ट्री को खरीद नहीं पाएंगे उस फैक्ट्री को खरीद नहीं पाएंगे इसीलिए वो किसी और को भेज दे रहे थे बस उनका काम था कि वो टिकट वो ले लें ले और उसके बदले उन्हें किसी अमीर इंसान से जो है वो पैसा मिल जाए वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा हद तक जो है वो भुखमरी बढ़ चुकी थी हर तरफ जो है वो इकोनॉमी जो है वो एकदम बुरे तरीके से अपने हाशिए पे पहुंच गई थी टूट रही थी तो ये जो है टर्म जो है शॉक थेरेपी का कि सडनली एक तरीके से जो यूएसएसआर का इन दोनों पॉलिसीज़ के ज़रिए शिफ्ट करना था लिबरलाइजेशन की तरफ ओपननेस की तरफ थोड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करना था वो एक शॉक थेरेपी का, का काम कर गया उसके लिए और साथ ही जब हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना भी जो है वो सोशलिस्ट था कम्युनिस्ट था और चाइना ने हालांकि थेरेपी को एडॉप्ट नहीं किया वो शॉक यूएसएसआर की तरह झटके से उसने शिफ्ट मारने की कोशिश नहीं की चाइना ने स्लोली और धीरे से आराम आराम से उसने ओपन डोर मार्केट ओपन डोर पॉलिसी को अपनाना शुरू किया उसने अपनी मार्केट को धीरे धीरे खोलना शुरू किया हर कंट्रीज़ को अपने देश में अपने फैक्ट्रीज़ अपने प्लांट्स लगाने के लिए परमिशन अलाउ करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने शिफ्ट किया इसी वजह से चाइना जो है वो इस शॉक थेरेपी की तरफ से नहीं गुजरा इस शॉक थेरेपी की दुनिया से होकर वो नहीं गुज़रा और जो यू था उसे इस शॉक थेरेपी से होकर गुजरना पड़ा तो ये जो है हमारा ओवरव्यू है एक हल्का सा शौक थेरेपी का वरना इस पर तो बहुत ही एक बड़ा टॉपिक जो है वो स्पेशली एक वीडियो क्रिएट हो सकता है खैर वो अभी टॉपिक हमारा नहीं है अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था अब हम उसे डिस्कस करते हैं जो कोल्ड वॉर था द कोल्ड वॉर इम्पैक्टेड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू द सेम एक्सटेंट एज द यानी कि जो कोल्ड है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट किया था जितना कि दोनों विश्व युद्धों ने फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही ने को जितना किया था उतना ही कोल्ड वॉर ने भी इम्पैक्ट किया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स को दियर ट्रिगर्ड विच सेट द नेशन स्टेट्स ऑन पार्ट ऑफ फियर एक जो डर था एक दूसरे से लगातार बना हुआ था म्यूचुअल सस्पिशन हमने टर्म डिस्कस किया था इस चीज़ का जो एक एक दूसरे से जो डर था जो खतरे की भावना जो हर तरफ ट्रिगर हो चुकी थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सारे नेशन स्टेट्स जो थे वो आर्म्स रेस में आर्म एक आर्म और अम्यूनेशन की जो रेस थी आर्मामेंट्स की जो रेस थी उसका पार्ट बन चुके थे द डिवीजन ऑफ द ग्लोब इंटू राइवल कैंप्स आइडियोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक वॉज द रिजल्ट ऑफ द कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के रिजल्ट के तौर पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड था वो आइडियोलॉजिकल और साथ के साथ स्ट्रेटजिक कैंप्स में जो था वो डिवाइड हो चुका था जो फॉर्मेशन था मिलिट्री अलाइंसिस का नाटक और वॉरस ऑफ एक्ट ये भी हमें कोल्ड वॉर के रिजल्ट के तौर पे देखने को मिला एंड द कवर्ट एंड ओवर्ट इंटरवेंशन इन डिफरेंट रीजन वर द मैनिफेस्टेशन द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स विच एडवर्सली अफेक्टेड बोथ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड कोल्ड वॉर के तहत हमें यही चीज़ें देखने को मिली कि कितनी ज़्यादा हद तक जो डेवलपमेंट uh, जो था डेवलपमेंट प्रोसीजर्स जो, जो थे और प्रोग्रेस के जो प्रोसीजर्स थे वो हॉल्ट हो चुके थे रुक चुके थे और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो कितनी हद तक जो है उसको शौक झेलने को मिला था द नेशन स्टेट्स डाइवर्टेड रिसोर्स फ्रॉम डेवलपमेंट टू यानी कि जो नेशन स्टेट्स थे वो अपने रिसोर्सेस को डाइवर्ट कर रहे थे डेवलपमेंट की बजाय आर्मामेंट के जरिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा वो शॉक लग रहा था इकोनॉमी को क्योंकि ये कोल्ड वॉर की वजह से ही ऐसा हो रहा था कि जो नेशन स्टेट थे वो अपने डेवलपमेंट को नहीं देख रहे थे वो डेवलपमेंट को नहीं देख रहे थे म्यूचुअल सस्पिशन जो था वो एक लगातार एक दूसरे के पे शक की जो निगाह सभी देशों की बनी रहती थी अलाइड कैंप्स में भी एक दूसरे के साथ जो दोनों ही कैम्प्स थे दोनों ही सुपर पावर्स के जो कैंप थे उनमें एक दूसरे पर शक करने की जो एक नज़र लगातार बनी रहती थी उसकी वजह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस था उसको हॉल्ट देखने को मिला उसको एक झटका देखने को मिला शॉक देखने को मिला और जो कंट्रीज थी उन्होंने नेशन स्टेट्स जो थे उन्होंने अपने डेवलपमेंट से हटा के अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके आर्मामेंट आर्म्स एंड डेमिनेशन के ऊपर लगा दिया था विच सस्टेन्ड दी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज विच हैड कम अप इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द वेस्ट जिसने की काफ़ी हद तक मिलिट्री इंडस्ट्रियल ये जो टर्न है ये बहुत ही खास हो जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज जो है उसको काफ़ी हद तक हेल्प की थी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं ये जो टर्म है इस तरीके से समझ सकते हैं जब रशिया और जर्मनी का एक नॉन एग्रेशन पैक्ट हुआ था हमने डिस्कस किया था इसको भी रशिया और जर्मनी का नॉन एग्रेशन पैक्ट जो हुआ था उसके तहत नाजी जर्मनी ने ये वादा किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि वो रशिया पर अटैक नहीं करेगा और नाजी जर्मनी में नाजी जो है हिटलर जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ रहा था कि हम जो है कम्युनिज्म के खिलाफ हैं कम्युनिज़म को खत्म कर देंगे हालाँकि जब हम देखते हैं कि पोलैंड का जब कैप्चर किया गया नाजी जर्मनी के द्वारा वो रशिया के साथ मिलके उसने किया रशिया और नाजी जर्मनी जो है दोनों साथ मिलके पोलैंड पे कब्जा करते हैं और जबकि नाजी जर्मनी जो है वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट चलता है और इसी तरीके से आ, अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपने आ, मौके को देखते हुए नाजी जर्मनी जब रशिया पर अटैक कर दिया था तो यहां पे क्या हो रहा था जब युद्ध हो रहा था जो अमेरिकन कंपनीज जो थी जो वॉर कंपनीज जो थी वो दोनों को ये जो है एड प्रोवाइड करवाई थी साथ के साथ अगर हम देखें ये एग्जाम्पल भी देखें अगर हम जैसे कि जर्मनी हो गया और ब्रिटेन हो गया इन दोनों का जब युद्ध हो रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिकन कंपनीज थी यहाँ पर भी वो एड जो है वो दोनों ही देशों को प्रोवाइड करवा रही थी लाइक वॉर के जो फाइटिंग फाइटर प्लेन्स हुआ करते थे मिसाइल्स गोली बारूद ये सब चीज़ें जो हैं जितनी भी एड हो सकती है मिलिटरीली वो दोनों ही चीज़ देशों को प्रोवाइड की जा रही थी और वो भी अमेरिकन कंपनी के द्वारा तो यहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो टर्म यही दिखाता है कि कैसे वॉर जो है वो भी एक मार्केट का, का काम करता है इन कंपनीज के लिए और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे उनको काफ़ी हद तक ये जो कोल्ड वॉर है इसने भी सस्टेन किया बट द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ऑल्सो मेट विथ सम रेसिस्टेंस एंड रिएक्शन जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी उसमें कुछ रेसिस्टेंस भी देखने को मिला कुछ रिएक्शन भी देखने को मिला जो नॉन अलाइन मूवमेंट था नाम जो था नॉन अलाइन मूवमेंट जिसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था और भी तीन चार पाँच और देश थे बाद में और भी बहुत सारे देश जुड़ते गए धीरे धीरे नॉन रैंड मूवमेंट जो था, इट वॉज वन सच प्रोटेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये भी एक प्रोटेस्ट मूवमेंट के तौर पर दुनिया के सामने आया विच चैम्पियड कंस्ट्रक्टिव डिसोकेशन फ्राम एक्टिव पावर पॉलिटिक्स इन कंटेक्सट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड कॉट द इमेजिनेशन ऑफ मैनी कंट्रीज यानी कि नाम का जो एक मोटिव ही था वो यही था कि हम किसी आ, जो न्यूली लिबरेटेड भी नई जो डेमोक्रेटिस जिनको नई नई डेमोक्रेटी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी मिली है उन कंट्रीज़ को आ, दूर रहना चाहिए किसी भी वर्ल्ड वॉर में या कोल्ड वॉर में भी किसी भी कंट्री का अलाय जो है नहीं बनना है तो नाम का मकसद ही यही था और हम एक मल्टी कंट्री कंट्रीज़ के बारे में इमेजिन करें मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में इमेजिन करें जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी और सबके पास पावर होगी तो ये एक तरीके का प्रोटेस्ट था कोल्ड वॉर में कि हाँ हम किसी एनी ऑफ द पावर ब्लॉक को हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं नाम कंट्रीज़ का ये प्रोटेस्ट था इट क्वेश्चन द पॉलिसीज ऑफ द सुपर पावर ये सुपर पावर की पॉलिसीज़ को क्वेश्चन कर रहा था लगातार एंड ट्राइड टू ब्रिंग बैक द एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस बिफोर द वर्ल्ड कम्युनिटी ये लगातार ये क्वेश्चन कर रहा था पॉलिसीज़ जो थी सुपर uh, की, उनको लगातार क्वेश्चन कर रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और लगातार ये एक प्रपोजल के तौर पे दुनिया के सामने लाया जाता है नॉट प्रपोजल प्रपोजल विल नॉट बी राइट टर्म ये एक तरीके से जो एजेंडा था डेवलपमेंट का दुनिया के सामने उसे लाने की कोशिश कर रहा था और डिसआर्मेंट का उसे लाने की कोशिश कर रहा था ना मूवमेंट के जरिए वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने इन चीज़ों को पेश की जा रहा था कि हाँ डेवलपमेंट और डिसआर्मेंट पे फोकस किया जाए रादर दैन ये जो पावर पॉलिटिक्स की जा रही है उसके बजाय हम डेवलपमेंट और डिसआर्मेंट पे फोकस करें तो वो आ, दुनिया के लिए ज़्यादा बेहतर होगा मानव आ, और जितने भी आ, जितने भी जानवर पशु पक्षी और एनवायरमेंट हैं इन सभी के लिए जो है वो बहुत हद तक बेनिफिशियल रहेगा इसके ऊपर काम किया जाए ना कि पावर पॉलिटिक्स के ऊपर द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर न्यू न्यो की डिमांड की गई वॉज द ऑफ शूट ऑफ दिस पॉलिटिक्स यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जो थी वो डिमांड की जा रही थी और वो इसी पॉलिटिक्स का जो है वो एक रिज़ल्ट के तौर पर हमें देखने को मिला द कोल्ड वॉर ऑल्सो मेड द यूनाइटेड नेशंस कोल्ड वॉर के रिजल्ट uh, uh, के तौर पर हमें यूनाइटेड नेशन देखने को मिला विच वॉज क्रिएटेड टू एनफोर्स कलेक्टिव सिक्योरिटी कलेक्टिव सिक्योरिटी को एनफोर्स करने के लिए जैसे बनाया गया था टोटली इन इनफेक्टिव एंड कंट्री आफ्टर कंट्री लुक टूवर्ड्स द सुपर पावर्स एंड द सिक्योरिटी अमरेला फॉर देयर प्रोटेक्शन दैन द लाइंग ऑफ द लाइंग ऑन यूनाइटेड सिस्टम, बट जो कि हमें एक तरीके से कह सकते हैं इनफेक्टिव था क्योंकि कंट्रीज जो थी वो लगातार सुपर पावर की सिक्योरिटी के लिए लगातार देख रही थी बजाय वो यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम पर भरोसा करें जो एंड था कोल्ड वॉर का हैज हेज़ हैज इक्वली ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिक्स ऑफ द ग्लोब उसने ग्लोब uh, जो हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको काफी हद तक ट्रांसफॉर्म करने का काम किया था द एंड ऑफ इट्स हैज इंपैक्टेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को काफी हद तक इस कोल्ड वॉर के एंड ने इम्पैक्ट किया बहुत बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं impact, impact किया एज इट्स ऑन सेट ऑफ इट्स इम्पैक्ट अगर हम इसके कुछ इम्पैक्ट्स को देखें तो वो इस प्रकार से हैं पहला पॉइंट है इट हैज डिस्ट्रॉयड द बाई इन द वर्ल्ड जो हम

अब जो नाम जो है क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो इस कोल्ड वॉर के टाइम पे जब नाम को बनाया गया था तो उसका मकसद ये था कि वो ख़त्म हो जाए जो पावर पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाए उससे ध्यान हटे जो कोई भी कंट्री है वो किसी भी पावर आ, की तरफ सपोर्ट ना करे अपना अपने आप को ना झुकाए अपने प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि इससे क्या होगा उनकी जो नई नई उन्हें डेमोक्रेसी मिली है उस पर भी खतरा आ सकता है हो सकता है वो कंट्री वापस से उसे अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करें तो नाम का जो अब मोटिव था वो कुछ रहा नहीं था इनके हिसाब से जब कोल्ड वॉर एंड हो गया तो अब नाम को भी एंड हो जाना चाहिए नाम का भी कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता ये जो एक क्वेश्चन था कि अब नाम का क्या रिलेवेंस रह गया है ये भी जो है दुनिया के सामने आया जो कि नाम जो है क्योंकि अब तक वो कंटिन्यू है आज भी जो है नॉन लाइन मूवमेंट जो है वो चल रहा है इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैव बिकम हालांकि जो नाम जो है Uh, उसके मोटिव्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं और वो अब एक दूसरे के सपोर्ट के लिए कंट्रीज़ में एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैव बिकम मोर वनरेबल टू आर्म ट्विस्टिंग बाय द बिग पावर्स अब जो कंट्रीज थी थर्ड वर्ल्ड की वो अब और ज़्यादा वलनरेबल हो गई थी आ, आर्म ट्विस्टिंग के लिए यानी कि बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनके द्वारा यूज़ करने के लिए यूज़ हो सकती हैं वो और ज़्यादा उस चीज़ के लिए वलनरेबल हो गई थी बड़ी आ, जो सुपर पावर्स हैं उनके द्वारा यूज़ हो सकते हैं इस चीज़ के लिए वो वल्नरेबल हो चुकी थी द डिसंटिग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द न्यू डोमिनेंस ऑफ द यू विच इज़ नाउ कॉल्ड न्यू पैक्स अमेरिकाना हैज़ क्रिएटेड न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनंस एंड रेजिस्टेंस अब जो डिस इंटीग्रेशन था सोवियत यूनियन का उसकी वजह से एक नए तरीके का डोमिनस हमें यू एस ए का देखने को मिलता है जैसे न्यू पैक्स अमेरिकाना नाम का टर्म जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है जिसने नए स्ट्रक्चर्स जो हैं डोमिनंस के और रेजिस्टेंस के क्रिएट कर दिए हैं द ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू टर्म्स फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट विच आर लोडेड इन फेवर ऑफ़ मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर सम ऑफ द ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड सिस्टम जैसे कि स्टैब्लिशमेंट किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिसके अंदर नए टर्म्स और रेगुलेशन जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं डेवलप किए गए हैं ट्रेड करने के लिए एक दूसरे से कंट्री से जो कि ज़्यादातर ऐसे टर्म्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो सपोर्ट करते हैं फेवर करते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं को रादर देन जो डेवलपिंग है या जो अंडर डेवलपिंग कटते हैं उनको ये जो इंडी ये जो चीज है ये इंडिकेट करती है कि पोस्ट कोल्ड वॉर सिस्टम जो है वो कैसा है ये हमें साफ देखने को मिल रहा है कि कोल्ड वॉर के बाद का सिस्टम अब कैसा हो चुका है प्रोलीफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड राइज ऑफ़ एथनिक नेशनलिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इन डिफरेंट पार्टस ऑफ द वर्ल्ड एंड देर कन्फ्रेंटेशन विद द सेकुलर स्टेट्स ये जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें न्यूक्लियर जो वेपन है उसका प्रोलीफ्रेशन देखने को मिल रहा है राइज हो रहा है एथनिक नेशनलिज्म के अंदर ही और रिलीजियस फंडामेंटलिज़म भी जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो लगातार बढ़ता जा रहा है उसका कन्फ्रंटेशन जो है वो सेकुलर स्टेट्स से द्वारा हो रहा है ये भी चीज़ हमें पोस्ट कोल्ड वॉर उसके टाइम टाइप में हमें देखने को मिलती है पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के तन, बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है विच इज समाइम रेफर्ड एज द न्यू कोल्ड वॉर जिसको अब हम न्यू कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं <clears throat> आर एमरजिंग साइड्स ऑफ थ्रेड टू वर्ल्ड पीस एंड हैव बिकम न्यू मनीज इन पोस्ट खोल्ड ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स अब ये एक तरीके से नए थ्रेट्स जो हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं ये वर्ल्ड पीस के लिए एक नया थ्रेड बन के सामने आ रहे हैं और पोस्ट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए अब हम बढ़ते हैं हमने आ, हमारा जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर कोल्ड वॉर का उसको हमने जाना समझा एनालाइज किया अब हम सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ते हैं कि कोल्ड वॉर का सिग्निफिकेंस क्या था ओवरव्यू देखते हैं सिग्निफिकेंस का क्या है सिग्निफिकेंस कोल्ड वॉर का द कोल्ड वॉर लेट टू द दमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट यू एस एंड कम्युनिस्ट यूएस एसर जो कोल्ड वॉर था उसने uh, हमें राइज दिखाया कि कैपिटलिस्ट यू एस का राइज देखने को हमें मिला और साथ ही कम्युनिस्ट यूनाइट यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का हमें राइज देखने को मिला एज द टू वर्ल्ड सुपर पावर्स ये दो वर्ल्ड सुपर पावर्स के तौर पर सामने आए विद प्रोफाउंड पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसिस जिनके पोलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंस जो थे वो काफी हद तक बहुत बड़े बड़े थे देर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैव हैड इनोमस इम्पैक्ट टू दैन nations and the rest of the world during the cold war cold war ke time pe unke jo different different economic systems the unka alag alag tarike se hame impact jo hai wo dekhne ko mila unke khud ke upar bhi aur rest of the world ke upar bhi cold war ke time mein ab hum conclude karte hain aur isi ke sath jo hai hamara topic wo khatm hoga the end of the cold war marked the victory of the us and the bipolar world order uh, turned into यूनिपोलर uh, unipolar however ओवर the लास्ट डिकेट the position ऑफ the us एस the world's most मोस्ट state स्टेट हैज़ अपीयर्ड इंक्रीजिंगली अनस्टेबल जो एंड हुआ जब कोल्ड वॉर का तो उसकी वजह से विक्ट्री हुई यूएस की एक तरीके से जैसे कि हैंनरी किसंगर ने कहा था कि जो यूएस प्रेसिडेंट थे वकी किस्मत ही थी शायद जिसकी वजह से वो कोल्ड वॉर की विक्ट्री अपने नाम पर ले पाए विक्ट्री टर्म का उन्होंने यूज़ किया कि विक्ट्री हुई है ये अमेरिकन की और ये जो विक्ट्री थी यू की कोल्ड वॉर के एंड के बाद ये जो विक्ट्री हुई यूएस की और बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो भी एक तरीके से अब यूनिपोलर हो चुका था अमेरिका का जो एक छत्र राज हमें देखने को स्टार्टिंग फेसेस में पोस्ट कोल्ड वॉर जो पीरियड था उसके स्टार्टिंग फेसेस में अमेरिका का हमें यूनिपोलराइजेशन देखने को मिल रहा था कि हाँ अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका है वो भी था बट हाउ एवर जो जो लास्ट डिकेट अभी रहा है हमारा जो पोजीशन है यूएस की उस हिसाब से अगर हम देखें अब के समय में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल स्टेट है वो काफ़ी अनस्टेबल हो चुके हैं क्योंकि अब जो है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो यूनिपोलर वर्ल्ड को रिप्लेस कर चुका है और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो पावर के तौर पर सामने सुपर पावर्स के तौर पर सामने आ रही हैं रेस में शामिल हो चुकी हैं द यू एस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान और इराक़ का और जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट से लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और भी जो थी और द अपेरेंट स्प्रेड जो हमें देखने को मिला रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का जैसे हमने पिछली भी स्लैड में डिस्कस किया था टुगेदर विद द राइज ऑफ एमरजिंग इकोनॉमिक पावर्स लाइक जापान हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया इंडिया हो गया चाइना हो गया इन सब साथ ही इन सभी चीज़ों ने क्या कियाड द वर्ल्ड लुक मोर मल्टीपोलर इसकी वजह से जो वर्ल्ड है जैसे कि मैंने कहा था अब वो और ज्यादा मल्टीपोलर हमें देखने को मिल रहा है एंड हैज़ लेड मैनी टू प्रिडिक्ट द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट एंड द राइज ऑफ द वेस्ट साथ में हम ये भी कहेंगे कि इस वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक जो यूनिपोलरी यूनिपोलराइजेशन था कि अमेरिका का एक छत्र राज है वेस्ट का एक छत्र राज है जितनी भी वेस्ट कंट्रीज हैं तो वो हमें एक तरीके से अब उनका डिक्लाइन देखने को मिल सकता है ऐसा काफ़ी जो फिलोसोफर्स है थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं कि काफ़ी लोग ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ अब वेस्ट का जो है वो डिक्लाइन अपनी तरफ बढ़ चुका है वेस्ट जो है अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ चुका है और इस मल्टीपोलराइजेशन की वजह से जो रेस्ट हैं यानी कि जो बचे हुए जो देश हैं अब उनका जो है राइज हमें देखने को मिलेगा यानी कि डेवलपिंग, डेवलपिंग, डेवलपिंग डेवलपिंग अंडर होंगे, होंगे। डेवलप्ड तो अब जो है, उनका हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये ये इस चीजों को डिस्कस किया इसके एक फेज के बारे में हमने डिस्कस किया रीजंस के बारे में एंड के, के बारे में भी डिस्कस किया बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पहलुओं को हमने देखा तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है कोल्ड वॉर अब वो एंड होता है आज की वीडियो के लिए इतना ही तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग बाय